नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। रामनवमी को लेकर महावीरी पताका का बाजार सज गया है। भागलपुर शहर के घंटाघर, हनुमान मांझी, भिकनपुर चौक, तिलकामांझी चौक, लोहिया पुल के समीप और मुख्य बाजार में कई जगहों पर भगवान राम और राम भक्त हनुमान के चित्र से सजे महावीरी पताका का बाजार सज गया है। वहीं बाजार में इसकी खरीदारी करने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं, जबकि जय श्री राम और बजरंग बली के नाम से लिखे हुए महावीरी पताका काफ़ी आकर्षक करता दिखा। इसके अलावा दुकान में कई तरह की पूजन सामग्री को भी सजाया गया है, जिससे लोग ज़रूरी सामान खरीदकर रामनवमी पर भगवान राम, माता सीता और रुद्रावतार हनुमान का पूजन करेंगे। बता दें कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ उनके अनन्य भक्त हनुमान जी की विधि विधान से पूजा कर महावीरी पताका और ध्वजा चढ़ाई जाती है। वहीं इसको लेकर शहर में जगह जगह भगवा रंग के पताका और पूजन सामग्री का बाजार सजा है, जहां आकर्षक और अलग अलग साइज की पताका लहराती दिखाई दे रही है। चैती छठ पूजा के तीसरे दिन सोमवार को जिले के विभिन्न गंगा घाट, पोखर, कृत्रिम तालाब और घरों के छत पर तैयार किए गए कृत्रिम तालाब में छठ व्रतियों ने खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य की आराधना की। इस दौरान श्रद्धालुओं और छठ व्रतियों ने छठी मैया और भगवान सूर्य को अर्घ दिया। भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट समेत कई गंगा घाट पर छठ व्रतियों और भक्तों ने अर्घ देकर आराधना की, जबकि मंगलवार की सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व सम्पन्न हो जाएगा। इधर जगदीशपुर प्रखंड समेत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी चैती छठ को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। इस दौरान छठ व्रती महिलाओं ने पूरे नियम निष्ठा के साथ चैती छठ की पूजा की। ढोल बाजा के साथ व्रत करने वाली महिलाओं के साथ श्रद्धालु भी काफी खुश दिखे, जबकि सोमवार को सभी ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। इधर लगभग 4 वर्षों से चैती छठ करने वाली छठ व्रती महिला राजो देवी, किरण देवी और बॉबी देवी ने कहा कि छठ व्रत सबसे बड़ा पर्व है और इसमें भगवान सूर्य के साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। 6 साल से कर रहे हैं। किनके लिए छठ पर्व कर रहे हैं? उनके लिए छठ पर्व पोती कौन कौन कर रहे हैं छठ पर्व आपके साथ? हमें कल ले कर कष्टी करे एक दो कष्टी। चैती दुर्गा पूजा के छठे दिन माँ दुर्गा के षष्ठम स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा पूरे विधि विधान से की गई। इसको लेकर भागलपुर समेत सभी दुर्गा मंदिरों और पूजा पंडालों में वैदिक मंत्रोच्चार और सप्तशती पाठ गूंजता रहा, जहाँ भक्तों ने माँ दुर्गा की आराधना की। वही सिकंदरपुर, दिनेश्वर धाम परिसर स्थित दुर्गा मंदिर, भिकनपुर, खंजरपुर, बरारी, तिलकामांझी, मानिक सरकार, नाथनगर समेत शहर और विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में भी धूमधाम से वासंती नवरात्र मनाया जा रहा है। मंगलवार को सभी दुर्गा मंदिरों में माँ का पट खुल जाएगा, जबकि बांग्ला विधि से पूजन होने वाले पंडाल में षष्ठी तिथि को ही देवी का पट खुल गया। रामनवमी को लेकर बुधवार को भगवा क्रांति की ओर से निकाले जाने वाले भव्य शोभा यात्रा को लेकर सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसे कुणाल सिंह और निरंजन शाह ने संबोधित किया। कुणाल सिंह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवा क्रांति की ओर से रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो पहले से अधिक भव्य और विशाल होगी। उन्होंने बताया कि अलग अलग कलाकार झांकी के साथ नृत्य प्रस्तुत करेंगे। 6 नृत्य की टोली, रामगढ़ का बैंड, नासिक की ढोल और राम दरबार में प्रभु राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के अलावा महाकाल, माता काली, भगवान कृष्ण और दैत्य समेत कई कलाकार शामिल होकर आकर्षक प्रस्तुति देंगे, जिसके सभी शहरवासी साक्षी बनेंगे। कुणाल सिंह ने लोगों से इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने के साथ स्वागत के लिए तैयारी करने की अपील करते हुए कहा कि इस वर्ष भगवान राम की 14 फीट की प्रतिमा के साथ भारत माता की भी प्रतिमा शोभा यात्रा में शामिल होगी। वहीं निरंजन शाह ने कहा कि राम नवमी में जहां देश में विशेष उत्साह का माहौल है, वहीं राम मंदिर निर्माण कार्य की अवधि निकट आने के साथ देश के हिंदुओं के बीच विशेष उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्साह और आयोजनों से हिंदू राष्ट्र का माहौल भी बनता जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने भगवा क्रांति द्वारा आयोजित शोभा यात्रा के रूट की जानकारी देते हुए शांतिपूर्ण और उत्साह के साथ इस आयोजन को सफल करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ शहरवासियों का आह्वान किया। मौके पर काफी संख्या में भगवा क्रांति के कार्यकर्ता और राम भक्त मौजूद रहे। भगवा क्रांति के द्वारा प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामनवमी शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं और ये शोभा यात्रा इस बार वाकई में बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है।
क्योंकि इस शोभा यात्रा में विभिन्न राज्यों से अलग अलग कलाकार आ रहे हैं, अलग अलग झांकियां आ रही है, अलग अलग कलाकार अपने अपने नृत्य प्रस्तुत करेंगे। रामगढ़ की बैंड है, आपका छऊ डांस जो होता है वो आ रहे हैं, छऊ नृत्य वाले लोग आ रहे हैं, नासिक की ढोल आ रही है, राम दरबार, राम सीता लक्ष्मण बजरंगबली सबसे आकर्षण का केंद्र होंगे। बजरंगबली एक बड़े बजरंगबली आ रहे हैं 8 फीट के, और बजरंगबली के साथ 2 राक्षस भी नृत्य करेंगे, वो कला करेंगे। वहाँ पे युद्ध होगा, वो युद्ध हम लोग सब देखेंगे, साक्षी बनेंगे उस युद्ध का। साथ में काली माँ चलेंगी और सब लोग रहेंगे, कृष्ण भगवान रहेंगे और आपका महाकाल भी साथ में चलेंगे। बहुत भव्य हम लोग कर रहे हैं शोभा यात्रा। भीड़ तो हम तो अपेक्षा रखे हैं, हमने प्रशासन के सर में जो दर्द है उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रयास किया कि 2000-3000 हो, लेकिन हमको ज्यादा उम्मीद है कि 10,000 से ज्यादा संख्या प्रोसेशन में रहने वाली है और पूरा शहर उमड़ पड़ेगा, ऐसा वातावरण बना हुआ है। कहा क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या औरत, क्या मर्द, जहां अभी जो लग रहा है कि जैसे चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर देवी, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जय श्री राम। जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण जो जो निकट आ रहा है और निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है, 500 वर्षों का संघर्ष का जो प्रतिफल अब दिखने लगा है, और जिस तरह राम जन्मभूमि निर्माण के करीब आते आते पूरा देश राममय होते जा रहा है, जहां भारत विश्व गुरुत्व की ओर बढ़ रहा है और अब देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, इसका भी वातावरण स्वतः बनता जा रहा है। एसपी शांत कुमार सरोज द्वारा रविवार को गोपालपुर थाना में प्रेस वार्ता आयोजित कर कई मामलों का खुलासा किया गया। एसपी ने बताया कि शनिवार को एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने अलग अलग 3 स्थानों पर हथियार के बल पर एक पल्सर बाइक, 3 मोबाइल और नगद रुपये लूट लिए थे। इसकी जानकारी गोपालपुर थानाध्यक्ष द्वारा तत्काल SDPO एवं इस्माइलपुर थानाध्यक्ष को दी गई, जिसके तहत सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान अपराधी को गिरफ्तार कर साथ ही लूटे गए बाइक को भी पुलिस ने बरामद कर लिया, जबकि मौके से अन्य आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला था, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपी को खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि पकड़े गए आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये आज का दिन बहुत बड़ा उपलब्धि का दिन है नौछा पुलिस के लिए। कल शाम लगभग 7:30-8 के बीच का ये घटनाक्रम है। सभी पुलिस प्रत्येक दिन जो थाना प्रभारी है या मोबाइल ही रहते हैं जी, उसी क्रम में जानकारी मिलता है थाना पारी गोपालपुर को कि ये लक्ष्मीपुर गोसाई पर गोसाई गांव है जी, वहाँ पे एक शिवशंकर चौधरी का मोटरसाइकिल, मोबाइल और ये पर्स लूट लेता है। थाना प्रभारी अपना बेहतरीन नेतृत्व का परिचय देते हुए मैं काफ़ी इसका अप्रिसिएट करूँगा थाना गोपालपुर का, उन्होंने तुरंत बिना समय गंवाए इसकी जानकारी सारे सीनियर्स को दिया, SDPO को, SP को जानकारी दिया और जो पड़ोसी थाना उनको भी जानकारी दिया कि आप जो भी थाना प्रभारी हैं सभी कोई रोड पे आ जाएं और चेकिंग लगा दें। और उसी अनुरूप जो थाना प्रभारी गोपालपुर तो स्वयं रोड पर थे ही, उनके अन्य गश्ती पार्टी भी चेकिंग लगा दिया, साथ ही जो इस्माइलपुर थाना SDPO साहब भी उसी इलाके में थे, SDPO साहब भी अपना चेकिंग लगा दिया, इस्माइलपुर चेकिंग लगा, उसका अलग दूसरा मोबाइल गश्ती भी चेकिंग लगा दिया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन, हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है, एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है, एक बार जरूर तशरीफ लाएं। एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर, कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के सराय स्थित सीएनएम केमिस्ट्री कोचिंग संस्थान में सोमवार को सीएनएम टॉपर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि शिक्षाविद राकेश कुमार, संस्थान के निदेशक सुधाकर मिश्रा समेत कई लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन करते हुए डायरेक्टर सुधाकर मिश्रा ने अतिथियों का बारी बारी से स्वागत बुके देकर किया। इसके बाद बिहार बोर्ड की परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 में पांचवा स्थान हासिल करने वाले छात्र अभिषेक राज को निदेशक और अतिथियों ने मोमेंटो अंग वस्त्र और 51,000 रुपये का चेक उपहार स्वरूप दिया। इसके अलावा संस्थान की ओर से विज्ञान संकाय में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को भी नगद राशि और अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। वहीं इसको लेकर सीएनएम केमिस्ट्री के निदेशक सुधाकर मिश्रा ने बताया कि रसायन शास्त्र में 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं की ट्यूशन फी वापस कर दी जाती है, जबकि इस वर्ष 100 से अधिक बच्चों ने यह उपलब्धि हासिल की है और इस सभी बच्चों की ट्यूशन फी संस्थान द्वारा वापस कर दी गई। वहीं छात्र अभिषेक राज ने कहा कि सीएनएम संस्थान और इसके निदेशक सुधाकर मिश्रा द्वारा ऑनलाइन माध्यम से मिली गाइडलाइन के कारण उसे यह सफलता मिली है और आने वाले समय में सिविल सर्विस की तैयारी कर देश सेवा करना चाहते हैं। साथ ही सभी छात्रों और सहपाठियों को समय बर्बाद नहीं कर शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन में पढ़ाई और तैयारी कर जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त करने की बात कही। मौके पर अंशुमान सिंह, अंकित आनंद, राहुल सिंह, विनोद महतो, शकील खान समेत संस्थान से जुड़े सदस्य और काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। यह सम्मान समारोह हर वर्ष की तरह इस बार भी मनाया जा रहा है, जिसका साक्ष्य आप लोग खुद हैं और इसमें हमारे यहाँ से बिहार बोर्ड ने 1 से 10वां रैंक तक लाने वाले बच्चे को 51,000 रुपये के चेक से सम्मानित किया जाता है। जिला में स्थान लाने वाले पहला, दूसरा, तीसरा रैंक लाने वाले बच्चे को 5,000 रुपये के चेक से सम्मानित किया जाता है और हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो भी बच्चे हमारे विषय केमिस्ट्री में 90% से ऊपर अंक लाते हैं उनका शुल्क वापस कर दिया जाता है। कितने लोग का सम्मानित किए हैं आज? एक तो बिहार बोर्ड का टॉपर है जिसे नवादा जिला से है, पांचवा टॉपर। उसके अलावा 10 हमारे यहाँ अलग अलग जिला के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिला टॉपर है और कुल मिलाकर 100 बच्चे को सम्मानित किया जा रहा है। अभिषेक राज है और मैं नवादा से हूँ। कितना अंक प्राप्त किया है? मुझे बिहार बोर्ड की परीक्षा में मुझे टोटल 468 अंक प्राप्त किया। संस्थान से कितना, कैसा सहयोग रहा पढ़ाई में? यहाँ के सर ने मुझे बहुत हेल्प किया और इनके ऑनलाइन के थ्रू मैंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट किया और सर के मार्गदर्शन से मैंने यहाँ तक अपना मुकाम भी पाया। आपको आज प्राइज भी मिला है, सम्मान मिल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर ये तो सर के प्यार और स्नेह से बड़ा कोई चीज नहीं है। सर ने मुझे जिस तरह से गाइड किया उनका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ तक। भागलपुर में जल्द ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा के करियर पॉइंट शिक्षण संस्थान की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल अक्षय तृतीया के दिन भागलपुर में करियर पॉइंट कोटा के ब्रांच का औपचारिक उद्घाटन होगा, जिससे छात्र छात्राओं को जहां बेहतर तैयारी का विकल्प भागलपुर में ही मिल सकेगा, जबकि मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की भी सुविधा दी जाएगी। इसको लेकर सोमवार को भागलपुर के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसे करियर पॉइंट कोटा के सीएमडी आर के दीपक, सेंटर डायरेक्टर विकास सागर और सीनियर एडवाइजर चंदन ठाकुर ने संबोधित किया। आर के दीपक ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों में से एक करियर पॉइंट का ब्रांच अब भागलपुर के तिलकामांझी स्थित महिंद्रा शोरूम के निकट खुलने जा रहा है, जहां भागलपुर एवं आसपास के जिलों से आने वाले बच्चों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि 10वीं पास करने के बाद अक्सर बच्चों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी के लिए एक अच्छे संस्थान की तलाश में शहर और राज्य से दूर जाना पड़ता है, लेकिन विगत 29 साल से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रहे करियर पॉइंट शिक्षण संस्थान अब अपने शहर में बड़े शहरों जैसी शिक्षा और सुविधा का अवसर प्रदान करेगी, इससे बच्चे बेहतर परिणाम हासिल करेंगे। वहीं सेंटर डायरेक्टर विकास सागर ने कहा कि भागलपुर शाखा में प्री फाउंडेशन के लिए 9वीं एवं 10वीं की क्लास ली जाएगी, इससे आगे की तैयारी में आसानी हो और बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग में सफलता प्राप्त कर सके। साथ ही कहा कि भागलपुर ही नहीं बल्कि कोसी क्षेत्र के बच्चे को भी करियर पॉइंट जैसे इंस्टीट्यूट में कोटा के अनुभवी शिक्षकों से पढ़ने और तैयारी करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा चंदन ठाकुर ने कहा कि फिलहाल करियर पॉइंट भागलपुर ब्रांच की एडमिशन ऑफिस छोटी खंजरपुर हनुमान मंदिर के समीप एक होटल में खोली
गई है, जहां आकर इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे कोर्स की तैयारी के लिए बच्चे और अभिभावक एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कई सुविधाओं की जानकारी देते हुए कहा कि संस्थान के द्वारा लड़कियों के लिए फीस में विशेष छूट दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रांच मैनेजर श्री पूर्णा मोइत्रा, काउंसलर शारमीन कासिम भी मौजूद थे। आज इसी के रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा ताकि यहाँ भागलपुर के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको एक समुचित जानकारी प्राप्त हो सके कि भागलपुर में करियर पॉइंट का विधिवत उद्घाटन अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को होने जा रहा है। थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं आपको कि कोटा राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों में से एक, करियर पॉइंट का ब्रांच तिलका मांझी अमित ऑटोमोबाइल महिंद्रा शोरूम के निकट तिलका मांझी में खुलने जा रहा है। यह उद्घाटन विधिवत अक्षय तृतीया के दिन होना तय हुआ है। भागलपुर जिला एवं शहर के बच्चों को अब इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की तैयारी के लिए जो करियर पॉइंट जो एक संस्था थी वहां यहां पर नहीं थी, जिसके कारण कि उन्हें बाहर जाना पड़ रहा था, लेकिन अब सिर्फ भागलपुर जिला ही नहीं अपितु भागलपुर आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोसी स्नातक क्षेत्र के जितने भी हमारे छात्र छात्रागण हैं उनको अब किसी भी प्रकार की विशेष दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो कोटा के फैकल्टी ही यहाँ पर भागलपुर के बच्चों को पढ़ाएंगे, चल रहा था उसमें फैकल्टी की कमी थी जो कि लोकल फैकल्टी को दिया गया, जिस कारण से वो करियर पॉइंट बंद हो गया, लेकिन करियर पॉइंट के वो गाइडलाइन को पालन नहीं कर पाए जिस कारण से उसको बंद कर दिया गया। लेकिन अभी जो नया करियर पॉइंट आपको नया ब्रांच तिलका मांझी में खुला है, जिसमें टोटल फैकल्टी आपको कोटा के ही होंगे और जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है आपको वही टीचर ही पढ़ाएंगे, इसमें दूसरे टीचर नहीं आएंगे और अपने बिहार से बाहर के ही टीचर होंगे, सारा गाइडलाइन आपको करियर पॉइंट के द्वारा ही मिलेगा। बारिश के मौसम में जल भराव होना तो आम बात है, लेकिन सर्दी एवं गर्मी के सीजन में भी रोड पर गंदा पानी और जल जमाव हो तो यह सिस्टम की नाकामी को दर्शाता है। दरअसल भागलपुर जिला के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत कजरैली पंचायत वार्ड नंबर 5 रहमानीगंज गाँव की सड़कों पर पिछले करीब 4 वर्षों से गंदा पानी जमा रहता है। बताया जाता है कि रहमानीगंज की इन सड़कों से हर रोज गुजरने वाले करीब 2000 लोगों को गंदे पानी के बीच से होकर आवागमन करना पड़ता है। वहीं पास ही एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है जहां आने वाले बच्चों और सेविका सहायिका को भी रोज इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका ने बताया कि वार्ड सदस्य व मुखिया को कई बार शिकायत की गई, लेकिन हर बार टालमटोल कर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। साथ ही कहा कि कोई अधिकारी, नेता या जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं देते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि हर पंचायत में बिहार सरकार की तरफ से नली गली का फंड दिया गया है, लेकिन कोई काम ठीक से नहीं किया जाता है। साथ ही कहा कि सड़क पर गंदा पानी और जल जमाव के कारण घर में बदबू आती रहती है, जिससे रहमानीगंज गाँव के कई घरों में लोग बीमार पड़ते रहते हैं। अच्छा अच्छा, नाला के मतलब नहीं होने की वजह से परेशानी, खाना पेगा तब नाला बनेगा। तो ये जो जाम जो लग रहा है इसमें तो परेशानी होता है आप लोग का? बहुत होता है। तो आप लोग कैसे आते जाते हैं? पानी में घुस के आते हैं जाते हैं। छोटे छोटे बच्चा लोग, छोटा छोटा बच्चा उससे पानी में घुस के आता है जाता है। क्या बोलेंगे, हम लोग के दहलीज पे पिल्लू चलता है, बच्चे लोग को आने में दिक्कत होता है, बच्चे लोग को सही का गोदी करके लाती है, पैर धोलाते हैं। तो इस सब का सोचना मतलब आप लोग आगे मतलब नहीं अगला पता दिखे तक नहीं पहुंचाते हैं? कहते हैं, बाट को बोलते हैं, मुखिया को बोलते हैं, हम लोग का कुछ भी करवाया ना होता, कुछ भी सुनाना पड़ता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।